हाँ गुड इवनिंग। कल आपको पढ़ा रहे थे स्टोमक। इसके बाद आगे की क्लास अब शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं। एक तो मैंने बताया था म्यूकस नेक सेल्स, इनके द्वारा म्यूकस सिक्रीट होता है। दूसरी मैंने बताया था पेप्टिक सेल या चीफ सेल, इनके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। और तीसरी होती है आर्गेंटिक सेल या पैराइटल सेल, इनके द्वारा एससीएल सिक्रीट होता है और इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या कौन सा एंजाइम अब्सेंट होता है, तो एमाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन एमाइलेज एंजाइम बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यहां तक चर्चा हो चुकी थी। अब देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए हमने प्रोटीन लिया, सपोज करिए। अच्छा एक बात और बताएं, इंडियंस के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होती है? पल्स होती है, दालें होती है। यहां पर देखा जाए, सपोज करिए हमने प्रोटीन लिया, ये प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है। ये पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है किस पीएच पर वर्क करेगा? पीएच कितना होना चाहिए? 1.8 होना चाहिए, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटियोजेस। ये प्रोटियोजेस और प्लस पेप्टोन्स में टूट जाता है, पेप्टोन्स में टूट जाता है। प्रश्न आता है कि पेप्सिनोजन एंजाइम जो सिक्रीट हुआ था, ये पेप्सिनोजन क्या है? ये पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव होता है, एक्टिव होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? एससीएल कन्वर्ट करता है, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। पेप्सिन ये कैसा होता है? एक्टिव होता है। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एससीएल कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर वर्क करता है कितने पीएच पर? 1.8 पर, तब प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अगर तुमसे पूछ लिया गया प्रोटियोजेस पेप्टोन्स है क्या, तो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन होती है, कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने अभी तुम्हें बताया है कि रेनिन एंजाइम केवल इन्फेंट में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। एडल्ट ह्यूमन में रेनिन का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। एससीएल का काम क्या होता है? स्टोमक के अंदर फूड को सड़ने से बचाता है। अगर फूड के साथ कोई पैथोजनस लिविंग माइक्रोब्स पहुंच गए हैं या कोई भी माइक्रोब्स पहुंच गए हैं, उनको किल करना। और क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। ये काम किसके हैं? एससीएल के हैं, स्टोमक के अंदर। और एक काम है हार्ड सबस्टेंस को डिजॉल्व करना, ये एससीएल का काम है। उसके बाद में देखा जाए, स्टोमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। मैंने बताया है कि स्टोमक कैसा होता है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो हमको मालूम हो गया कि ये स्टोमक है। सपोज करिए ये ईसोफेगस था, ये अपना स्टोमक है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में अपर रीजन में पाया जाता है। और यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला पार्ट जो हम बना रहे हैं,
यहां से यहां तक का क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। फिर उसके बाद का पोर्शन क्या कहलाता है, जियोजिनम कहलाता है। तो यहां से यहां तक का पार्ट जियोजिनम कहलाता है, जियोजिनम कहलाता है। उसके बाद का पोर्शन क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इस प्रकार से बाद का पोर्शन इलियम कहलाता है। और इलियम का अंतिम सिरा कैसा होता है, स्वलन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेकुलस रोटेंडस कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सेकुलस रोटेंडस कहलाता है, सेकुलस रोटेंडस कहलाता है, ये सेकुलस रोटेंडस कहलाता है। और इसके अंतिम सिरे पर ये वाल्व पाए जाते हैं, इन वाल्व को क्या कहते हैं, इलियोसीकल वाल्व कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलियोसीकल सीकल वाल्व कहलाते हैं। यहां से यहां तक का पोर्शन क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है, ELEUM, ये इलियम कहलाता है। कल तुमको मैंने बताया था इलियम की दो स्पेलिंग होती है, ILEUM, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और दूसरी स्पेलिंग मैंने बताई थी ILIUM, जो पेल्विक गर्डल की बोन होती है। यहां पर देखा जाए क्या होता है, एक इलांगेटेड ग्लैंड पाई जाती है। इस इलांगेटेड ग्लैंड को क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं। और इस पैंक्रियास से एक डक्ट निकलती है, ये जो डक्ट निकलती है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया पैंक्रियास, ये पैंक्रियास। और यहां पर देखा जाए क्या है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसे हमने क्या कहा, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यहां पर देखा जाए क्या होता है, ये गॉलब्लैडर होता है, ये गॉलब्लैडर। और गॉलब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो इस डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, यह सिस्टिक डक्ट कहलाती है, डक्ट। यहां पर क्या होता है, लीवर होता है, और लीवर से जो डक्ट निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट कहते हैं। मान लेते हैं यह हिपैटिक डक्ट जो लीवर से आ रही है, ये हिपैटिक डक्ट आकर के इसमें मिल गई ओके। अब देखा जाए क्या होता है, जब ये दोनों डक्ट मिल जाए और मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती है, जो कॉमन डक्ट बनती है उसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन, ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है, बाइल डक्ट कहलाती है, ये कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से आकर के मिल जाती है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट से जब आकर के मिलती है, अब यहां पर जो कॉमन डक्ट बनती है, ये जो कॉमन डक्ट बनती है उसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हिपैटो, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का। यहां पर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के जंक्शन पर एक वाल पाए जाते हैं, ये जो वाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ओडाई कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को ड्यूडेनम में आने देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। तो तुम्हें याद रखना है, पैंक्रियास से जो डक्ट निकलती है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं,
गॉलब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट और लीवर से जो डक्ट निकलती है हिपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलकर के हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है जो ड्यूडेनम में आकर के ओपन होती है। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के जंक्शन पर यहां पर एक वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ये 2016 में पीएमटी में पूछा गया था इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात तुम्हें मालूम हो गई। एक बात और बता दें, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, फिर भी इसे स्मॉल कहते हैं उसको लार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो कम होती है लेकिन डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज कहा जाता है और इसको स्मॉल कहा जाता है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम कैसा होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पर लिखा है सी शेप्ड स्ट्रक्चर, सी शेप नहीं होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। और देखा जाए यहां पर क्या होता है, लीवर के कारण स्टोमक का ये वाला पोर्शन कुछ धसा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ये लीवर है। और लीवर से क्या सिक्रेट होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। बाइल जूस कहां पर आकर के स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो इससे क्या सिक्रेट होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है, ये बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब देखा जाए क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाइल जूस यहां से होता हुआ है, यहां से होता हुआ ड्यूडेनम में आकर के मिल जाएगा। एक बात तुम्हें याद रखना, बाइल जूस, हम सिर्फ बाइल जूस की बात कर रहे हैं, बाइल जूस का कलर कर रहा होता है येलोइश ग्रीन कलर होता है। ये कलर किसके कारण होता है, बाइल पिगमेंट के कारण होता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से, एक बाइलीरुबिन होता है और दूसरा बिल्बर्डीन होता है। इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहां पर बनता है, तो आपका आंसर है लीवर, लीवर में बनता है, क्योंकि लीवर में ही बाइल जूस बना और यहां से होता हुआ यहां करके मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस कहां पर होती है, लीवर में होती है। ओके, आगे देखा जाए क्या होता है, तो इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट भी होती है स्मॉल अमाउंट में। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, बाइल बहुत इसेंशियल चीज है, कई बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, उस जूस का नाम बताइए जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए गए हैं लेकिन डाइजेशन में उसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपका आंसर है बाइल जूस। क्यों? बाइल जूस के अंदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस भी पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। अगर फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन इम्पॉसिबल। अब प्रश्न आता है इमल्सिफिकेशन क्या होता है, मान लेते हैं एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए, तो ऑयल पानी पर फ्लोट करेगा, फिर किसी चीज से बड़ी तेजी से हिला दे तो ऑयल की जो लार्ज ड्रॉप है वो स्मॉल छोटी छोटी ड्रॉपों में टूट जाती है और हमको ऐसा लगता है कि ऑयल और पानी मिक्सचर बन गया है, लेकिन कभी भी ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है। हुआ क्या है, लार्ज ऑयल की ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई, छोटी छोटी ड्रॉपों में टूट गई। तो फैट, ये बाइल जूस के अंदर जो ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं,
फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन इम्पॉसिबल। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि फैट के डाइजेशन के लिए कौन इसेंशियल है, तो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या काम करेंगे, फैट का इमल्सिफिकेशन करेंगे, और जब फैट इमल्सिफाइड हो जाएगी तब लाइपेज एंजाइम फैट के ऊपर वर्क करेगा और तब फैट फैटी एसिड और ग्लिसराल में ब्रेक होंगे, टूटेंगे। फैटी एसिड और ग्लिसराल क्या है, फैट की यूनिट होते हैं। तो जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट का डाइजेशन इम्पॉसिबल। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो बाइल जूस के अंदर साल्ट नहीं होंगे तो फैट सोलेबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फैट में कौन कौन से विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन ए डी ई और के। ये विटामिन क्या होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। इन विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल जूस इसेंशियल। अगर बाइल जूस के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं होंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी, डिजीजेस हो जाएंगे। तो इनका होना बहुत जरूरी है, इसलिए बाइल जूस बॉडी में बनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात देखा जाए, कुछ ऐसे सब्सटेंस बॉडी में है जो हार्मफुल होते हैं, उनको बॉडी से निकालने में भी ये हेल्प करता है। मतलब नॉन एसेंशियल चीजों को बॉडी से इलिमिनेट करने में भी ये हेल्प करता है। ये सारे काम किसके हैं, बाइल जूस के हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस की हम बात कर लें थोड़ा सा। अगर पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं तो पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है। तुमको मालूम होना चाहिए पैंक्रियास कैसी है, एक मिक्स ग्लैंड है। प्रश्न आता है कि मिक्स ग्लैंड क्या होती है, वो ग्लैंड जिसमें एग्जोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो पैंक्रियास के अंदर एग्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब पैंक्रियास का जो एग्जोक्राइन पार्ट होता है उससे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उससे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो हम बात करते हैं एग्जोक्राइन पार्ट की। पैंक्रियास के अंदर जो एग्जोक्राइन पार्ट है उसकी सेल से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहले हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक ट्रिप्सिनोजन होता है। ये कौन सा है, ये ट्रिप्सिनोजन ये कैसा है, इनएक्टिव है, कैसा है, इनएक्टिव। दूसरा कौन सा होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन ये कौन सा है, ये काइमो ट्रिप्सिनोजन। और तीसरा कौन सा होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। इनएक्टिव फॉर्म में ये तीनों हैं, कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव। ये भी कैसा है, इनएक्टिव, इनएक्टिव। अब प्रश्न आता है ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका आंसर है इंट्रोकाइनेज एंजाइम।
अब ये है इंट्रोकार्डियल एंजाइम कहां से सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है। तो इंट्रोकार्डियल एंजाइम ये कौन सा है, इंट्रोकाइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम, ये क्या काम करेगा, इसको एक्टिव फार्म में कन्वर्ट कर देता है, और एक्टिव फार्म इसका कौन सा है, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन है। तो देखा जाए इन एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को इंट्रोकाइनेज एंजाइम एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ये कैसा है, एक्टिव, कैसा है, एक्टिव। काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करेगा। तो ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट कौन सा है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इस पर भी ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करेगा, तो ये ट्रिप्सिन, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यहां पर देखा जाए एक बात और तुम्हें बता दें, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम और एक हार्मोन है ऑक्सिन, इनमें एक मेटल पाई जाती है जिसे जिंक कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है पीएमटी में कि जिंक मेटल किस एंजाइम में पाई जाती है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम और ऑक्सिन हार्मोन में पाई जाती है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। ओके, अब देखा जाए क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, तीनों एंजाइम, तीनों एंजाइम देखो काम क्या करते हैं। हमने क्या लिया, प्रोटीन लिया, यहां पर हमने लिया प्रोटीन, प्रोटीन लिया, और प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, पल्सेस होती है, पल्स होती है, या पेप्टोन्स लिया, ये पेप्टोन्स, या प्रोटियोजेस लिया, प्रोटियोजेस लिया, इनके ऊपर कौन वर्क करता है, ट्रिप्सिन, कौन वर्क करता है, ट्रिप्सिन, और कौन वर्क करता है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और कौन करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटियोजेस को किसमें कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और किस मीडियम में वर्क करेगा, एल्केलाइन मीडियम में वर्क करता है, किस मीडियम में वर्क करेगा, एल्केलाइन मीडियम में वर्क करता है। आगे देखा जाए क्या होता है, ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम थे, अब हम देखें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज को ही क्या कहते हैं, एमाइलोप्सिन कहते हैं। हमने पढ़ा है 30% स्टार्च का डाइजेशन कहां पर होता है, बक्कल कैविटी के अंदर होता है, ओरल कैविटी के अंदर, बाकी डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सपोज करिए यहां पर हमने स्टार्च लिया, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और इसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम वर्क करता है, ये एमाइलेज एंजाइम, और इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम वर्क करेंगे बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं, तब स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और ये क्या है,
डाइसैकेराइड। तो एमाइलेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखा जाए क्या होता है फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देखा जाए, लाइपेज पाया जाता है और लाइपेज को क्या कहते हैं, स्टेपसिन कहते हैं। हम पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं अभी सारी, तो यहां पर मान लेते हैं ये फैट है, फैट, और फैट के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे फैट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डाइग्लिसराइड। और किसमें कन्वर्ट होती है, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है। और जब तक फैट फैटी एसिड और ग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं होती है, तब तक हम ये नहीं कहेंगे फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, तो यहां पर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम पाया गया है वो फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लिक एसिड अगर फूड के अंदर है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड अगर जो है एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कौन वर्क करता है, न्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है, न्यूक्लियस एंजाइम। और तब न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हें याद रखना है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट होती है। एक बात और तुमको थोड़ा सा बता दे, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड तीन पार्टों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज सुगर होती है और फास्फेट ग्रुप। जब ये तीन चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, तब उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर ही केवल है, तब दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं और न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेस टू टाइप के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, दूसरा पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन आते हैं। इसी साल पीएमटी में क्वेश्चन ये आया था कि प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपका आंसर है एडिनिन और ग्वानिन। ये किसमें आते हैं, प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, समझे, तुम्हें याद रखना है। तो इस प्रकार से ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम पाए गए हैं और ये एंजाइम देखो किन किन के ऊपर काम करते हैं और इसके बाद क्या क्या चीजें बनती हैं, ये बातें आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास इतनी, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। प्रतिदिन एक लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, ये इसलिए हम यूट्यूब पे अपना लेक्चर डाल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनमें पढ़ने की जिज्ञासा होती है, तो हमने सोचा कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपकी सेवा कर सके, इसलिए ये लेक्चर पर डे आपको मिलता रहेगा। अगर आप पढ़ लोगे तो 100% पीएमटी आपकी निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारी आपकी चर्चाएं कल होंगी। गुड नाइट।